जैन साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी दोपहर का समय है और अभी हम खेत में पिपरामेंट की सिंचाई कर रहे हैं और बहुत तेज पछुआ हवा बह रहा है। पछुआ हवा और लू एक तरह से कह सकते हैं कि गर्मी के मौसम में लू चलता है और बहुत गर्मी है, बहुत तापमान हाई है, लगभग 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है और इसी धूप में सिंचाई करना पड़ रहा है क्योंकि गर्मी का वजह से फसलों में कहीं कहीं पानी की ज़रूरत ज़्यादा है और अभी हम लोग सिंचाई में लगे हुए हैं। एक बहुत ही शानदार खबर आया है हमारे महाराजगंज ज़िले से। एक हमारी महाराजगंज की बिटिया जो फरंदा क्षेत्र के अंतर्गत मतलब उसका घर है और ऐश्वर्यम प्रजापति जो IAS के एग्ज़ाम में उन्होंने पूरे ऑल इंडिया उनकी 10वीं रैंक है, जो बहुत ही शानदार प्रयास और पहले ही प्रयास में उनका IAS में सिलेक्शन, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे जिले जवान के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। और इस तरह से धीरे धीरे बेटियां भी आगे बढ़ रही हैं और प्रजापति समाज से आने वाली ऐश्वर्यम प्रजापति पहली ही प्रयास में IAS ऑल इंडिया रैंक उनका 10वां रैंक है और पूरे ज़िले में एक तरह से खुशी का माहौल भी है। चूँकि साथियों, खेती किसानी के काम में अभी हम लोग जुड़े हुए हैं तो इसकी वजह से समय की कहीं कहीं समय नहीं मिल पा रहा पर्याप्त, जिसकी वजह से तमाम खबरें नहीं आ पा रही हैं, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि धीरे धीरे सब्जी अगर पूरा सब्जी लगाया गया है और सब्जी में सिंचाई किया जा रहा है। दोपहर का समय है तो दोपहर का समय में तापमान हाई है और बहुत तेज पछुआ हवा बह रहा है हमारे अभी पूर्वांचल में महाराजगंज जिले में। 2-3 दिन से बहुत ही तेज हवा बह रहा है पछुआ हवा। तो देखिए, अगर पंप सेट की आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा, मशीन की आवाज़, और जिसकी वजह से सिंचाई खेती के काम में थोड़ा इसकी व्यस्तता है। और आप सभी कैसे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा और मिलेंगे किसी अगले वीडियो में बिना खबर के साथ मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर अभी हमारे महाराजगंज जिले के लिए यही है कि महाराजगंज की बिटिया ने पूरे देश में अपना परचम लहराया है ऑल इंडिया IAS रैंक में, मतलब उनका 10वां रैंक है, जो बहुत ही सम्मान की बात है। हम उन्हें शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं और तमाम जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी से यही आग्रह है कि आप लोग संघर्ष करिए, प्रयास करिए, सफलता मिलेगी। क्योंकि तमाम लोगों को पहले ही प्रयास में सफलता मिल जाती है, कुछ लोगों को कई बार प्रयास करना पड़ता है, तो घबराना नहीं है। और कहा भी गया है कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आदमी निरंतर आजीवन प्रयास करता रहता है, कुछ न कुछ सीखता है और एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। कोई भी व्यक्ति जब संघर्ष करेगा पूरे तन मन धन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। बशर्ते किसी को आसानी से मिल जाती है, किसी को कुछ समय लगता है, लेकिन साथियों संघर्ष के बाद जो परिणाम मिलता है उसका बहुत ही आनंद होता है। और कहते हैं कि झोपड़ी बनाने में समय 1-2 दिन में आप झोपड़ी बना सकते हैं, लेकिन अगर महल बनाना हो तो उसके लिए आपको वर्षों तक संघर्ष करना पड़ेगा, वर्षों तक आपकी कमाई लगानी पड़ेगी। तो ऐसे ही जीवन में सफलता भी बहुत धीरे धीरे प्रयास करने से ये दिन मिलती है। और चूँकि अभी फिलहाल अभी हमारे महाराजगंज की जो बिटिया ने IAS में पूरे देश में 10वां रैंक लाया है, इनको हम बहुत बहुत शुभकामनाएँ बधाई देते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट जरूर बताइएगा। जय साथियों, धन्यवाद।